नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेमा चौधरी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 7 के बारे में। डॉक्टर हैनिमन एफोरिज्म 7 में लिखते हैं, नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग आर मेंटेनिंग कॉज ऑफ द जर्नलिस्ट हैज टू बी रिमूव्ड, वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स। इट मस्ट रिगार्ड बींग हैड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मियाज़म and attention paid to the accessory circumstances, aphorism 5, be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. Dr. Henneman, जैसा कि aphorism 5 में भी समझा चुके हैं कि एक intelligent physician का ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए causa occasionalis पर। causa occasionalis कहने का अर्थ है वह कारण जो उस occasion पर disease को originate कर रहा है या maintain कर रहा है। कहने का अर्थ है एक्साइटिंग काज और मेंटेनिंग काज को आप कंबाइन रूप से कॉजा ओकेजिनलिस कह सकते हैं। तो डॉक्टर हैनिमन कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट फिजिशियन का सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि कौन से कारण से प्रॉब्लम जो है मेंटेन हो रही है उसको हटाना है, और जो भी डिसीज कंडीशन है उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में क्या मियाज्मेटिक काज है इसको ढूंढना है। ये सबसे पहले हमें ध्यान देना है। आगे डॉक्टर हैनिमन लिखते हैं, and moreover the totality of these its symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of the affection of the vital force, must be the principal or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires. The only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus in a word the totality of the symptoms, must be the principal indeed the only thing the physician has to take note in every case of disease and to remove by means of his art, in order that the disease shall be cured and transformed into health. कहने का अर्थ है कि internal vital force के derange होने की वजह से हमारे शरीर में बाहर जो sign और symptoms होते हैं वो डिसीज के वही रिफ्लेक्टेड पिक्चर है जो इंटरनल वाइटल फोर्स के डिरेंज होने की वजह से बाहर प्रदर्शित होते हैं, और इन्हीं की टोटेलिटी को मिला करके हम एक पिक्चर प्राप्त करते हैं जिससे हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली हो पाता है। हम जो है एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना पाते हैं कि कौन सी मेडिसिन उस केस के लिए इंडिकेटेड है, और टोटेलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर ही हम मेडिसिन चुनते हैं। पेशेंट जो हमें देता है वो बिखरे बिखरे सिम्टम्स देता है, कभी सिर के सिम्टम्स देता है तो कभी अचानक पैर के सिम्टम्स देता है। हमें इनको प्रॉपरली अरेंज करना है, और इन सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस रखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स। तो पेशेंट हमें दो तरह के सिम्टम्स देता है, एक तो क्वालिटेटिव सिम्टम्स। क्वालिटेटिव सिम्टम्स हम उन्हें कहेंगे जिनमें ऐसी क्वालिटीज हैं जिनके आधार पर हम केस को इंडिविजुअलाइज कर सकें, यानी ये प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स होते हैं। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव सिम्टम्स। क्वांटिटेटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स की संख्या बढ़ाते हैं और कोई भी पिक्चर को एकदम क्लियर नहीं कर पाते कि ये कौन सी मेडिसिन की ओर इंडिकेट कर रही है, यानी ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कई सारे डिजीज कंडीशंस में भी कॉमनली पाए जाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन में भी कॉमनली पाए जाते हैं। तो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले सिम्टम्स को वैल्यू देनी है, समझना है कि क्या पिक्यूलियर है और अनकॉमन है और क्या कॉमन है, फिर उसको सही ढंग से अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जो हमें कई सारे सिम्टम दे रहा है, हम उसकी टंग देखते हैं, टंग उसकी क्लीन है। पेशेंट जो है वो शिकायत लेके आया है कि उसकी नाक बह रही है, जो कि उसको 3 दिन से है, साथ में उसको मैलेज है, जनरलाइज्ड बॉडी हेडेक है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट लग रहा है,
थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। खांसी इतनी ज्यादा आती है कि उसकी वजह से खांसते खांसते पेशेंट को उल्टी हो जाती है। खांसी इतनी ज्यादा आती है कि उसकी वजह से पेशेंट को खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, कफ फॉलोड बाई वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉदी म्यूकस, यानी झागदार म्यूकस जो है उसके खांसी के साथ में खांसते खांसते पेशेंट को उल्टी हो जाती है। और पेशेंट की जो खांसी है वो रात में बढ़ जाती है, कफ एग्रावेट एट नाइट। साथ ही पेशेंट को बुखार है, बिटर टेस्ट है उसके मुंह में। और जो उसके माउथ का बिटर टेस्ट है वो मॉर्निंग में बढ़ जाता है। विच एग्रावेट इन मॉर्निंग। अब हम देखते हैं इस केस को। सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि कौन सा चीज है जो बहुत सारी मेडिसिन्स में है और बहुत सारे डिसीज कंडीशंस में है, या किसी को अगर खांसी है सर्दी है तो उसमें क्या क्या चीज उसमें कॉमन है। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो रनी नोज, नाक बनना जो है सर्दी खांसी की एक कॉमन समस्या है जो ज्यादातर पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं पहले। मेलेज जनरलाइज्ड बॉडी एच जो है ये भी सर्दी खांसी में कॉमन सी बात है कि शरीर में दर्द रहना, हेडेक होना ये भी जुकाम के साथ कॉमन है। तो हम इन चीजों को हटा देते हैं और बहुत सारी मेडिसिन में भी ये आपको कॉमन मिलेंगी। लेग में पेन हो रहा है तो वही जनरलाइज्ड बॉडी एच है, तो पूरे शरीर में ही दर्द है, पैर भी दुख रहे हैं ये कॉमन सिम्टम है। चेस्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगना खांसी के साथ ये भी कॉमन है। तो हमने इसमें से कॉमन कॉमन चीजें हटा दी, पहले एक्सक्लूड कर दी। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको लेते जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, कफ फॉलोड बाय वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉदी म्यूकस। ये थोड़ा सा अनकॉमन है क्योंकि हर खांसी में इस तरह से जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव ही हो और उसमें फ्रॉदी म्यूकस ही निकले, है ना। तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, कफ फॉलोड बाय वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉदी म्यूकस। इसके बाद हम देखते हैं कफ इसका किस समय हो रहा है, नाइट में एग्रावेट हो रहा है, तो ये वाला जो है हम यहाँ लगा देते हैं, कफ एग्रावेटेड नाइट। उसके बाद देखिए क्लीन टंग, टंग किसी की कोटेड रहती है किसी की क्लीन रहती है, तो ये हम यहाँ अरेंज कर देते हैं। टंग पेशेंट की कैसी है, क्लीन है। इसके बाद देखिए फीवर विद बिटर टेस्ट इन माउथ, ये हमने लगा दिया यहाँ पर, फीवर विद बिटर टेस्ट इन माउथ। और हम ये देख रहे हैं कि ये माउथ का बिटर टेस्ट किस समय बढ़ जाता है, मॉर्निंग में। तो बिटर टेस्ट बढ़ा कब, मॉर्निंग, एग्रावेट विच एग्रावेट इन मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पूरा पिक्चर बिखरा हुआ है जिसमें जो प्रिस्क्राइबिंग के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन आपको समझ में नहीं आएगी, और इसमें से सिर्फ एक पार्ट देखने पे भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसी तरह के कई सारे मेडिसिन्स में आपको मिल जाते हैं। तो हम इसमें से जब अनकॉमन चीजों को एक साथ लेकर के इस तरह से अरेंज करते हैं तो यहाँ इपिकॉक की क्लियर पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, और इस तरह से आप इंडिकेटेड मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं।
जैसे हम सिर्फ एक ही पहलू को देखें, जैसे बिटर टेस्ट इन माउथ है, बहुत सारी मेडिसिन्स में मिलेगा। इसके आधार पर जो है, आप सिम्टम्स के आधार पर आपको कुछ और लगेगा कि इस मेडिसिन में है या उस मेडिसिन में है। इसी तरह से जब हम एक पहलू देखते हैं या फ्यू सिम्टम्स देखते हैं, तो उसके आधार पर जो है प्रिस्क्राइब करना मुश्किल होता है और उससे आप इंडिकेटेड मेडिसिन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे आप किसी की आंख में पट्टी बांध दीजिए अलग अलग व्यक्तियों के, और उनको एक हाथी के अलग अलग हिस्से को अगर आप टच करवाते हैं, एक एलिफेंट का जो ट्रंक छुएगा, जिसको उसका पेट छू करके देखेगा, वो बोलेगा हाँ दीवार जैसे है। कोई इसका पैर छू कर देखेगा, वो बोलेगा खंभा है। कोई उसकी सूंड अगर छूता है तो उसको लगता है कि कोई मोटा सा सांप जैसे अजगर या एनाकोंडा जैसे कुछ है। तो जिस तरह से अंधे व्यक्ति को हम किसी एक हिस्से को टच कराएंगे तो वो हाथी को तब तक नहीं पहचान सकता जब तक कि वो पूरी बॉडी को फील ना कर ले, पूरे को ना छू ले। उसी तरह से जो है, एक फिजिशियन जब तक सारे सिम्टम्स को एक साथ कलेक्ट ना कर ले, तब तक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो सकती है। हो सकता है एक सिम्टम के आधार पर वो सिमिलर मेडिसिन तक पहुंच जाए, पर सिमिलिमम तक वो नहीं पहुंच सकता और इस तरह से फेल होने के चांसेस होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।